आपा तो और आई कहा कि देखो टाबरी देखो एकदम ताऊजी पर गई आंखें देखो काका का माए मिले है। आज जनरेशन आएगी ना जब लोग आखेगा ओहो छोरो देखो एकदम मैकडॉल पर गयो है आंखें देखो जी आई भी को ढक्कन हुए जी दोस्तों बनवारीलाल गोस्वामी का जन्म राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील में एक छोटे से गांव गाड़ोदा में हुआ जो कि श्री सालासर बालाजी धाम से कुछ ही दूरी पर है। इनके परिवार ने शुरू से ही गरीबी में जीवन यापन किया। इनके पिताजी परिवार का पालन पोषण करने के लिए ड्राइविंग का काम करते थे और माताजी गृहिणी थी। बनवारी लाल के एक छोटा भाई और एक बहन भी है। इन पांच लोगों का परिवार गरीब होते हुए भी हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। जब बनवारी लाल बड़े हुए और होश संभाला तो एक दिन अचानक भगवान ने इनके पिताजी को अपने पास बुला लिया और परिवार का सारा बोझ इनके कंधों पर आ गया। एक बार के लिए बनवारी लाल टूट सा गया था लेकिन इस संकट की घड़ी में उन्होंने अपने आप को संभाला और अपने परिवार को संभाला। फिर अपनी आजीविका को चलाने के लिए बनवारी लाल पढ़ाई को छोड़कर पेट्रोल पंप पर नौकरी करने लगे। बनवारी लाल सिर्फ 12वीं तक ही मुश्किल से पढ़ाई कर पाए थे। इस दौरान इनके मामा जी महावीरपुरी जी ने इन्हें काफ़ी सहायता की। हर मुश्किल घड़ी में वो इनके परिवार के साथ खड़े रहे। आज बनवारी लाल जब भी अपने परिवार को खुश देखता है तो वो अपने मामा जी को बहुत धन्यवाद देता है। पेट्रोल पंप पर काम करने के बाद बनवारी लाल RTO ऑफिस में काम करने लगे। आज हम मिलने जा रहे हैं श्रीमान जी बनवारीलाल जी, इनको तो आप सब जानते ही हैं, ये बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, इनसे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। फिर भी हम इनके मुंह से सुनना चाहेंगे कि इन्होंने किस तरह से अपने का कॉमेडी का जो दौर है अपनी लाइफ में किस तरह से शुरुआत करी है। तो आइए मिलते हैं। नमस्ते बनवारी जी। नमस्ते। तो आपने किस एज में ये जो कॉमेडी का दौर है वो स्टार्ट किया था, कुछ बताएंगे? बुढ़ापा। देखिए इनकी कॉमेडी अभी से स्टार्ट हो रही है। सही बात है, आदमी 30 के बाद में ऐसे हो जाता है कि भाई अब मेरे को परिवार को चलाने के लिए या जिम्मेदारियों का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और मैंने तो जिम्मेदारियों का बहुत पूरा संभालने के बाद में, मतलब 36 की एज के बाद में मैंने वीडियो बनाने चालू किए थे। अच्छा अच्छा। और ये किसी के आपके कहने पर आपने ये सब किया या अपनी इच्छा से ही? नहीं, मैं गाँव 5-7 साल पहले गाँव आया था। अच्छा। 8 साल हो गए मेरे को गांव में। तो मैं गांव में जब गाड़ी में बैठ के जाने लगा ना तो कोई राम रमी करने वाला नहीं था वहाँ पे। मेरे से किसी ने राम रमी नहीं की क्योंकि मेरे को कोई जानता ही नहीं था। अच्छा अच्छा। तो मैंने घर पे आके कहा कि हम वापस झुंझुनू चलते, पहले मैं झुंझुनू रहता था। अच्छा अच्छा। तो मम्मी ने कहा कि कुछ ऐसा काम करो आप जिससे लोग आपको पहचानने लग जाए। तो मेरे तो दिमाग में ये आया कि आज के टाइम पे जो लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं किसी भी तरीके से उनको हंसाया जाए। तो मेन मकसद आपका अपना नाम करना था? नहीं, मेरा मन मकसद तो यह था कि ये जो दुनिया दुखी हो रही है ना, इसको कहीं भी एक पल भी मैं उनके दुख में शामिल हो जाऊं और उनको हंसा दूं। ये बहुत अच्छी बात कही है श्रीमान बनवारी लाल जी ने कि पब्लिक के लिए भी अच्छा सोचा है और अपने लिए कुछ ना सोचकर पब्लिक के लिए ही ज्यादा सोचा। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलते हैं। और आज ये BD4U अकेडमी में आए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आपके लिए और इनसे मिलिए, ये भी बहुत इनका सहयोग देते हैं कॉमेडी में। और अपने बारे में आप खुद ही बताइए। मेरा नाम पंकज है और पंकु के नाम से आप मुझे जानते ही हो। और हमारी मुलाकात तो मतलब मारवाड़ी में कहावत है कि गुरबाणी गुरबाणी ढूंढ ले। तो और गुरु है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो देखा आपने, इनसे बात करके हम सभी को बहुत अच्छा लगा है। एकदम एक पल के लिए भी ये महसूस नहीं हुआ कि ये मेहमान बनकर हमारी म्यूजिक अकेडमी में आए हैं, फिल्म अकेडमी में आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बनवारी लाल जी आपका और आपका।